के डिफरेंट पोजीशन में कयाम, रुकू, सजदा, इसके अंदर फ्रंटल साइनसाइटिस, इथमॉइडल साइनसाइटिस, स्पिनोइडल साइनसाइटिस होने के चांसेस कम है। सजदे की हालत में देयर ड्रेनेज ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, जो फेफड़े में जो सेक्रीशन है वो सेक्रीशन के ड्रेनेज होता है, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग ब्रोंकियेक्टेसिस, फेफड़े की बीमारी होने के कम इम्कानात है। आम तौर पे जब हम सांस लेते हैं, आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि सांस जब आप लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो सिर्फ दो तिहाई हिस्सा, 2/3 पोर्शन ऑफ द लंग एयर इज एक्सहेल्ड आउट, सिर्फ 2/3 हिस्सा हवा का, फेफड़े का बाहर जाता है और नई हवा आती है, 1/3 हिस्सा पुराना ही रहता है, उसे साइंस में हम कहते हैं रेसिडुअल एयर, यानी फेफड़े की 1/3 हिस्सा जो है हवा का वैसा ही रहता है, सिर्फ 2/3 हिस्सा बाहर जाता है और नहीं आता है। सजदे के हालत में जब आप सांस लेते हैं, द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के आला है, वो लगते हैं डायफ्राम की तरफ, डायफ्राम को धक्का देते हैं, डायफ्राम धक्का देता है लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स, इससे जो रेसिडुअल एयर है 1/3 हिस्सा वो बाहर निकल जाता है। तो हमारे फेफड़े में सारी की सारी जो हवा आ रही है वो नहीं आती है, इससे फेफड़े की बीमारी के कम इम्कानात है, बिकॉज ऑफ फ्रेश एयर कमिंग इन। इस पोजीशन में देर इज इंक्रीज वेनस रिटर्न ऑफ द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जितने आला है उसमें एब्डोमिनल वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है। आज की साइंस ये कहती है कि सजदे के पोजीशन में इट इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल सफरिंग फ्रॉम फीमोरल हर्निया एंड ओसोफेजियल हर्निया, जिसको एसोफेजियल हर्निया है, हर्निया का लफ्ज़ सुना है आपने, एसोफेजियल हर्निया या फीमोरल हर्निया, ये सलाह की पोजीशन उस मरीज के लिए बेहतर है। आज की साइंस ये कहती है कि जो शख्स हेमोराइड के बीमारी है, जिस शख्स को पाइल्स है, सलाह की पोजीशन उसके लिए बहुत अच्छी है सजदा की पोजीशन। आज की साइंस ये कहती है कि सजदा के पोजीशन में आप जब घुटने टेकते हैं जमीन पे, तो सोलियस मसल जो पैर के मसल है, उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सोलियस मसल। आज साइंस कहता है वो पेरिफेरल हार्ट है। पेरिफेरल हार्ट मतलब उन जिस्म के हिस्सों में जो दूर के हिस्से में वहां खून को फैलाता है, तो इस पोजीशन में खून जो जिस्म के दूर के हिस्से है वहां भी पहुंच जाता है। जब ये सजदे की पोजीशन में हम घुटने टेक रहे, तो यहां देयर इज प्रेशर ऑन द नीज एंड द मसल्स, इट इज गुड फॉर द बैक एक। और हम जब फिर से जलसे की पोजीशन में आते हैं, सजदे से उठते हैं, तो खून वापस अपनी जगह पे आता है, बदन का हिस्सा रिलैक्स होता है, हमें आराम मिलता है। और इसके बाद जब हम उठते हैं कयाम पोजीशन में, हमारा वजन होता है बॉल ऑफ द फीट पे, पैर के आगे के हिस्से से उठते हैं, जो मसल्स आपके हैं थाई के, नी के, पैरों के मसल्स है, उसकी वर्जिश होती है, और ये मसल्स के लिए अच्छे है, आपके घुटने के लिए अच्छा है और पीठ की बीमारी के लिए अच्छा है। मैं सिर्फ अगर मेडिकल बेनिफिट बयान करूं सलाह के बारे में, तो इंशाल्लाह घंटे बात कर सकता हूं, लेकिन अंग्रेजी में, उर्दू में नहीं। उर्दू में क्योंकि मुझे महारत नहीं है, अंग्रेजी में अगर मैं सलाह के बेनिफिट का जिक्र करने लगूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेडिकल बेनिफिट पे तकरीर कर सकता हूं। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं और चीज़ें सलाह का जिक्र करता हूं कि कुछ लोग मुझे आके कहते हैं कि आप कहते हैं कि सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता है। मैं कई मुसलमानों को जानता हूं जो 5 वक्त सलाह पढ़ते हैं लेकिन बेमानी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, तो झूठ बोलते हैं। तो आप जो कहते हैं सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता, बिल्कुल गलत है। मैं तस्लीम करता हूं कि मैं भी जानता हूं है कई मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते लेकिन झूठ बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते लेकिन गलत काम करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते लेकिन रिश्वत देते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कुरान मजीद गलत है, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 और 2 में कि वो मोमिन फला पाते हैं जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं।
वो मोमिन फला पाते हैं जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ये नहीं कहता जो नमाज पढ़ते हैं वो हिदायत पाते हैं, यहाँ अल्लाह ताला फरमाते वो मोमिन फला पाते हैं जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते। अगर कोई मुसलमान खुशू के साथ नमाज पढ़ा तो इंशाअल्लाह वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी भी चोरी नहीं करेगा, वो कभी भी रिश्वत नहीं देगा। तो ये लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं खुशू के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहे, इसीलिए हिदायत नहीं पाते। अगर आप सही तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह खुशू के साथ पढ़ेंगे तो हिदायत बेशक पाएंगे। जब हम नमाज के मानी नहीं जानते तो कैसे अल्लाह ताला के हिदायत पे अमल करेंगे। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं। एक वक्त एक हिंदुस्तानी कारी, बहुत मशहूर कारी, वो जाता है सऊदी अरेबिया और मगरिब का समय रहता है तो वहां के अरब कहते हैं कारी साहब बहुत मशहूर है आप मगरिब की सलाह पढ़ाओ। तो कारी साहब मगरिब की सलाह पढ़ाते हैं। सलाह पढ़ाने के बाद, सलाम फेरने के बाद एक अरब मुस्कुराता है तो कारी साहब पूछते क्या आपको मेरी किरात पसंद नहीं आई। तो अरब जवाब देता है किरात तो बहुत पसंद आई लेकिन मैं सोच रहा था कि सलाम में आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में तो डाला लेकिन सलाह खत्म होने के पहले कुएं के बाहर क्यों नहीं निकाला। मैं देख रहा हूं कि सिर्फ चंद लोग मुस्कुरा रहे हैं, ये जो लोग मुस्कुरा रहे हैं वो लोग कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ चुके हैं। जो लोग को ये चुटकुला समझ में नहीं आया वो लोग कुरान मजीद शायद तर्जुमे से नहीं पढ़े या हो सकता है पढ़े लेकिन कुछ चीजें भूल चुके हैं। चुटकुले को अगर आप एक्सप्लेन करें तो मजा नहीं आता। अगर शायरी का तर्जुमा करे कोई सादी उर्दू में तो शायरी का मजा ही नहीं रहता है। और हमारे फैज़ुर रहमान साहब माशाल्लाह शायरी में तो एकदम एक्सपर्ट है। लेकिन आवाम के फायदे के लिए मैं चुटकुला जरूर आपको सुनाऊंगा इसके पीछे क्या कहानी है। वो अरब जब कहता है कारी से कि आपने सलाम में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में तो डाला, सलाह खत्म होने के पहले कुएं के बाहर क्यों नहीं निकाला। क्योंकि हम जानते हैं कुरान मजीद में सूर यूसुफ और कई वाक्य है जहां अल्लाह ताला फरमाते यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उन्हें धोखा दिया था। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाते और कुएं में डालते हैं और जाके अपने वालिद से कहते हैं कि वो मर गया। उस दरमियान एक कारवां आता है और देखता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में खाई में गिरे हुए हैं और वो कारवां यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकालता है। अल्लाह ताला जैसा शायरी में बोलूंगा मैं फानूस की तरह हिफाजत, इसलिए मैं शायरी में ज्यादा मानता नहीं हूं लेकिन मेरी अहलिया कहती है कि आप उर्दू तकरीर कर रहे तो शायरी कहो, तो कोशिश करता हूं मैं टूटी फूटी उर्दू में शायरी कहूं। फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लेकिन जो लचक कुरान के आयतों में है, सारी शायर को आप इकट्ठा करेंगे, जितने शायर की आप इज्जत करते हैं तारीफ करते सारे शायर को इकट्ठा करेंगे एक कुरान की आयत पैदा नहीं कर सकेंगे। यह अल्लाह ताला का चैलेंज है। सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में, मैं शेख फैज़ुर रहमान के खिलाफ नहीं हूं और उनसे माजरा चाहता हूं, वो कोऑर्डिनेटर है। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, अगर आपको शक है कि हमने जो चीज नाजिल की है हमारे बंदे पे, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, आप एक कुरान जैसी सूरा ले आओ, مِّن مِّثْلِهِ करीब हूबहू नहीं, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, और अपने मददगार को बुलाओ अल्लाह के अलावा जो भी आपके पास है अगर आप सच्चे हैं। फ़इल्लम तफलू, और अगर आप नहीं कर पाएंगे, फ़इल्लम तफलू वलन तफलू,
और आप बेशक नहीं कर पाएंगे। तो आप तैयार हो उस आग के लिए जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो जो अरबी जबान, मैं माहिर तो नहीं, जानता तो नहीं हूं, लेकिन अरबी जबान जो कुरान में जो है, सारे शायर को आप इकट्ठा करेंगे, कुरान की एक आयत के करीब नहीं आ सकेंगे। हूं बहू तो छोड़िए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उर्दू जबान में तकरीर कर रहा हूं तो कोशिश करता हूं टूटी फूटी जबान में, और माशाल्लाह मेरी अहलिया मेरी मदद करती है। पहले पहले वो पेपर लेती थी 51, 52, 60 गलतियां, 61, 62, 100 सेंचुरी हो गई। अभी माशाल्लाह तादाद कम होती जा रही है गलतियों की। तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, तो कारी साहब यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो तिलावत कर रहे, खाई में डालते हैं उनके भाई, कारवां आता है खाई के बाहर निकालता है, लेकिन वो बाहर निकलने के पहले ही अपनी तिलावत को रोकते। मतलब वो कारी को पता नहीं था कि मानी क्या है, पढ़ते तो माशाल्लाह अच्छी किरात में, पता नहीं मानी इसलिए खाई में डालते यूसुफ अलैहिस्सलाम को नमाज के।